हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज की वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हम फिंगरप्रिंट पासवर्ड को कैसे सेट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपको सिंपल से क्या करना है, मोबाइल सेटिंग में जाना, मोबाइल सेटिंग पर चलते हैं और ये हमारा रेडमी का फ़ोन दिया हुआ है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूँ हमें क्या करना है, यहाँ पर जाना है आपको, सॉरी रियलमी का फ़ोन दिया हुआ है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूँ हमें जाना है मोबाइल सेटिंग पर, तो हमें मोबाइल सेटिंग आइकन दिया जिसको हमें करना ओपन। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन क्या करना है, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फंक्शन दिए, बट आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है आपको पासपोर्ट, पासपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है आपको फेस, सॉरी फिंगरप्रिंट पासपोर्ट में सेट करते हैं, फिंगरप्रिंट पे क्लिक, इस पर क्लिक कर लेंगे। फिर आपको क्या करना है, जैसे आपको यहाँ पे दिख दिया हुआ है फिंगरप्रिंट लगाने के लिए, यहाँ पे हम अपना अंगूठा लगा देंगे, देखेंगे आपको आसपास के सारे फंक्शन देखे हैं। जैसे जैसे हम स्कैन कर देते हैं, देखिए हमारा पासवर्ड लग रहा है। फिर आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ पे आपको दिया है डन, तो हम ऐड द फिंगरप्रिंट और करना चाहते हैं, फिर डन, तो हम डन कर देते हैं। डन करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, फोर इंट्रोड्यूस ऑल्सो, यहाँ पे कैन कर देते हैं। कैन करने के बाद आप, मैं आपको यहाँ से मैंने लॉक कर दिया, ओके। फिर आपको क्या करना है, जैसे आप देख सकते हैं हमें फिंगरप्रिंट आप क्या करना है, आपको यहाँ पर खोल देनी है, तभी हमारा लॉक मांगा, ओके। तब उसके बाद आपको करना है ये अंगूठा लगा देते हैं, अंगूठा लगा दिया, खुल गया आपका लॉक। तो फिंगरप्रिंट हमारा सेट हो चुका है। तो यहीं पे हमारी वीडियो समाप्त होती है और अगली वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।